पिछोड़ नया गांव पंचायत के ग्रामीणों ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव। ग्रामीणों को नहीं मिला उचित मूल्य की दुकान पर राशन। नया गांव पंचायत के सेल्समैन ने ग्रामीणों को नहीं दिया राशन। परेशान ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं किया गया। आज ग्रामीण एकजुट होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन द्वारा हमें राशन नहीं दिया गया और सेल्समैन ने हमारे साथ अभद्रता की है। सेल्समैन द्वारा राशन की कालाबाजारी की जा रही है। हम चाहते हैं कि सेल्समैन को हटाया जाए और हमें राशन वितरित कराया जाए। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन कहता है कि मैं अपने हिसाब से ही राशन वितरित करूंगा। राशन का कंट्रोल लेने के लिए मैंने एसडीएम को 1,00,000 रुपए दिए हैं। अब किसी से भी शिकायत करो, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। राशन की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने तहसीलदार को लिखित आवेदन भी दिया है। तहसीलदार अखिलेश शर्मा ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समस्या का निराकरण करने के लिए कहा। क्या नाम है आपका? साहिब सिंह जाटव। साहिब सिंह, ये सभी लोग किस गांव के? नया गांव। आज आप सभी ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया है, क्या मामला है? हमारे लिए सेल्समैन राशन नहीं देता है। ये कहता है कि तुम कहीं भी चले जाओ, नहीं दे रहे। एक का लेना हो तो लो, और नहीं तो जीडर 55 फुट का रोड चाँजा जाओ। मैंने तो 1,00,000 रुपए एसडीएम को देके और कंट्रोल ली है। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, नहीं दे रहे, ये कहीं का दूंगा। अच्छा, कब से राशन नहीं दिया आप लोगों को? ये एक ही महीना का नहीं दिया। पहले तो दूसरा सेल्समैन था, तो वो भी ऐसे ही गड़बड़ कराते। अब ये दूसरा चेंज किया तो जेने भी आते नहीं। और क्या, पहले ही महीना पे कर दिया कि मैं किसी को नहीं दे रहा, एक का दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो दुनिया में जाओ। डबल राशन नहीं मिल रहा? डबल नहीं मिल रहा, बिल्कुल एक ही को भी नहीं था अभी तक। अच्छा, तो आपके हिस्से का राशन का क्या किया इसने? कहा पता, रात में कालाबाजारी करता है, बेचता है रात में। आज ही रात में डीसीएम भरवाई। अच्छा, राशन बेच देता है? आज ही रात में भरवाई। अच्छा, तो यहाँ अधिकारी से आपने शिकायत की है? शिकायत 2-3 दिन पहले भी आए थे तो एडीएम साहब नहीं मिले, आज भी है, आज भी नहीं मिले। अब तहसीलदार महोदय जी से भाई बात, वे कह रहे 1-2 दिन में देख लेंगे। तो क्या आश्वासन दिया उनको, आपको? आश्वासन दिया, बोले देख लेंगे, लेकिन हमारी ये मांग है कि सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। माता बहने परेशान है, जाती हैं तो धमकी देता है कि जाओ, जे रोड जाइए, दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। राशन नहीं मिल रहा है? राशन नहीं मिल रहा किसी को भी। सर, नया गांव पंचायत के कुछ ग्रामीण यहां पे आए हैं, जहां सेल्समैन द्वारा राशन वितरित नहीं किया जा रहा है और ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये सभी लोग आए हैं, शिकायत कर रहे हैं राशन न देने की। तो इनके राशन कार्ड भी साथ में लाए हैं, तो जांच करवाएंगे इसमें, ये दल बना करके, पूरा दल बना करके और सबके बयान लेगा, उसके अनुसार अगर राशन नहीं मिला तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर, बताया ये भी जा रहा है कि सेल्समैन दबंगा ही बता रहा है, उसने ये भी कहा है कि अधिकारियों को पैसा देके मैंने दुकान ली है तो मैं अपने हिसाब से वितरण करूंगा। नहीं नहीं, इसमें कोई तर्क नहीं है। और दिक्कत ये है कि मतलब उनको रखा गया है सही वितरण के लिए, अगर वितरण नहीं करेंगे तो कागजों से प्रूफ होगा, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ।